बनी में गत्ती पंचायत के लोगों ने नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डैम को जाने वाली सड़क बंद कर दी और प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जिन लोगों की जमीनें डैम बनने से चली गई हैं उन्हें रोजगार मिलना था, लेकिन एनएचपीसी के अधिकारियों ने लोगों को बताया था कि जिन लोगों की जमीन बांध के बनने के समय में आई है उनको रोजगार मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने एनएचपीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आज हमने इसी तरीके से स्ट्राइक किया है, चक्का जाम किया है हमने, जो डैम साइड का एरिया जो है हमने बंद किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट जो है वो एनएचपीसी के खिलाफ है। क्यों है? हम चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार जो लड़के हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं गत्ती में, जो ज़मीन गई है वो हमारे इस असली में है, जिनकी कॉलोनी बनी है, जिनकी ज़मीनें गई हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए इंसाफ दिया जाए, इनको एम्प्लॉयड मिलनी चाहिए लोगों को सबसे पहले, क्योंकि इनकी ज़मीनें गई हैं, इनकी ज़मीनों की वजह से आज ये प्रोजेक्ट जो है जो इतने करोड़ों रुपये कमा रही है एनएचपीसी कमा रही है, उसमें से हम चाहते हैं कि 1% कुछ नहीं है इनके लिए, कुछ ना कुछ इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाहर के लोग लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारा ये मेन मकसद है कि इनके लिए लड़ रहे हैं हम कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, किसी तरीके से भी इनको रोजगार मिले यहाँ एनएचपीसी में। ये बंद किया है इधर, इसलिए बंद किया है क्योंकि एनएचपीसी हमारी कोई बात नहीं मानती है सर। जैसे कि हमने इनसे इनको कहा था कि हमें मतलब कि एडजस्ट किया जाए, हम बेरोजगार हैं। हम एसडीएम के पास भी गए, उधर हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जैसे टेंडर ख़त्म होता है तो हम आपको एडजस्ट करेंगे, आप जो भी हैं लैंड होस्टी हैं उनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन सर उसमें हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। और जो भी ये मानते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं एनएचपीसी वाले, सिर्फ मानते हैं कि हम करेंगे। बनी से हाफिज कुरैशी, अलर्ट इंडिया न्यूज़।